अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है फुल बॉडी वैक्सिंग या फिर जो हमारे अंडर आर्म्स पे बाल होते हैं उसकी वैक्सिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हेयर्स को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैंने पर्सनली ख़ुद यूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छी सूटेबल लगी है। इसकी प्राइस 150 है। अच्छा, इससे ना आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। मतलब आप लोगों को बार बार जो है, जैसे हम लोग वेट की क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं या फिर स्प्रे यूज़ करते हैं या फिर वैक्सिंग यूज़ करते हैं, तो उसके लिहाज से जो है ना, ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है और सस्ता भी पड़ जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इसके इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बता देती हूँ। आपने जो है वो साबुन लेना है, सोप लेना है, उसके बाद आपने उसको स्किन पे अप्लाई करना है। अच्छे से झाग बन जाए, अच्छे से साबुन लगा हुआ होगा, उसके बाद आपने जो है वो एक जो है शावर लेते हुए मोस्टली आप करें तो आप इसको थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है ना इस तरीके से मैं आपको पकड़ के बताती हूँ। लाइक आपकी ये जो है ना, ये जगह आपकी बाजू है ना, आपने यूँ इस डायरेक्शन में जो है आपने इसको चलाना है और आपने जो है अपनी वैक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, ये बंद भी बहुत इजीली हो जाता है। इसकी प्राइस 150 थी। अच्छा, वैक्सीन करने के बाद ना, इसके साथ रेज़र के बाद आप एलोवेरा जेल जो है वो लगा लें तो सूथिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब आपकी स्किन पे अगर कोई कट वगैरह भी आया है, यहाँ कहीं ज़ोर से लग गया है रेज़र, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, सूथिंग हो जाती है, ठंडक का भी एहसास रहता है। अच्छा, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो।